नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, इंग्लिश ग्रामर का आज एक और बहुत शानदार रूल। ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल क्या, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में कई बार बताया है कि ये चैप्टर जो है आपका एडजेक्टिव, ये बहुत शानदार चैप्टर है। इंग्लिश ग्रामर में कुछ चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, उनमें से एक है आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का ये रूल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में इसको लेकर के कई बार आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दी जाती हैं। गाइस, आज का जो रूल है इंग्लिश ग्रामर का, वो है आपका एज सो एज, टू और सो दैट। गाइस, इन सभी वर्ड्स को याद रखेगा, एज सो एज, टू सो दैट। ये चार वर्ड इंग्लिश ग्रामर में अपने साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लेके चलते हैं। इनके साथ में कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनके साथ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल किया जाता है। यस गाइस, सो ये गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इन सभी का एक एक एग्जाम्पल देख लें, किस तरह से ये एग्जाम्स में आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, शी इज एज यंग एज आई। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, यहां पे शी इज एज यंग एज आई, यहां पर जो आपने आई लगाया है ये आई ही रहेगा। यहां पर मी लगा करके आपको एरर दी जा सकती है कि शी इज एज यंग एज मी। हालांकि यहाँ अब आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन उस समय पर अजीब नहीं लगता है, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए सभी कुछ ठीक है। गाइस ध्यान देना, ये जो हमारा एज है इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आया करता है, ऑब्जेक्ट इसके बाद कभी नहीं आया करता है। सो शी इज एज यंग एज आई, वह उतनी ही जवान है जितना जवान मैं, यानी कि वह मुझसे ज़्यादा जवान नहीं है। ओके गाइस, दूसरा जो फॉर्मेशन है यहाँ पे वो है आपका सो एज का, नेगेटिव सेंस में चला करता है। शी इज नोट सो डल एज आई, वह इतनी डल नहीं जितना डल मैं, यानी कि मैं उससे ज़्यादा डल हूँ। सो गाइज, यहाँ पर आपका ये सो एज इस्तेमाल हुआ है। एज और सो एज में यही डिफरेंस है बच्चों, एज आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस में चलता है और सो एज आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में चलता है। यहाँ नोट ने ये साफ क्लियर कर दिया कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव फॉर्मेशन में चल रहा है। सो गाइस, नेगेटिव को देखते हुए हमने लगाया यहाँ पे सो एज। उसके बाद में गाइस आपके दो वर्ड और हैं बड़े प्यारे, जो कि है आपका टू और सो दैट। इनको देखिएगा गाइस यहाँ पे, ये जो हमारा टू है, टू हमारा नोट ना होते हुए भी नेगेटिव सेंस देगा। ये सिर्फ सेंस नेगेटिव देगा, नोट यहाँ नहीं होगा। आई एम टू वीक टू रन, यानी कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं भाग नहीं सकता। यहाँ सेंटेंस में नोट कहीं नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस आपको नेगेटिव भावना दे रहा है। आई एम टू वीक टू वॉक, तो यहाँ टू हमारा नेगेटिव सेंस की तरह काम किया करता है। अगर हम यहाँ पर इस टू को हटा दें, तो हमें यहाँ पर इस टू की जगह लगाना होगा सो। आई एम सो वीक, और इस टू की जगह लगाना होगा दैट, फिर वही सब्जेक्ट जो उसने लगाया, और अपनी तरफ से आपको लगाना होगा कैन नॉट रन। कैन नॉट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे बच्चों जब सेंटेंस होगा हमारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट यानी कि इजेमार में, और कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे हम तब जब सेंटेंस हमारा होगा पास्ट में, यानी कि वोजवर में। आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट रन, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं भाग नहीं सकता। सो गाइज, यहाँ पर ये चार वर्ड जो मैंने आपको सिखाए आज, इन चारों को खूब अच्छे से रखना। एग्ज़ाम्स में इनको लेकर के अक्सर आपको प्रॉब्लम दी जाती हैं, लेकिन आपको इनसे थोड़ा सावधान रहना होगा। आई एम एज टॉलर एज शी, सो यहाँ पर आपको डिग्री को लेकर के अक्सर इससे एरर दी जाएंगी, लेकिन बी केयरफुल। एज सो एज, टू
सो दैट इन सभी के बाद हमेशा 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 पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल होना है, नो कंपैरेटिव नो सुपरलेटिव। ओके गाइस, सो कैसा लगा आपको आज का ये रूल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, रूल्स को कॉपी करके अपने पास रखें। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।